हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज से बिहार बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसमें ऑर्गेनिक का ईयर वाइज देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल का चैप्टर वाइज एक एक करके, फिर इनऑर्गेनिक का भी चैप्टर वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2018 का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बैंक। यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 2018 का क्वेश्चन बैंक। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन बैंक आंसर। क्वेश्चन बैंक आंसर 2018, और ये हम लोग चल रहे हैं ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो पूछा गया था, पहले ऑर्गेनिक का करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके हम लोग करेंगे ऑर्गेनिक के बाद हम लोग करेंगे फिजिकल का चैप्टर वाइज। तो पी नाइट्रोफेनॉल, नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पी मिथाइल फेनॉल, पी मिथाइल फेनॉल। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। आंसर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, और आंसर अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले पी नाइट्रोफेनॉल और पी मिथाइल फेनॉल के बीच का डिफरेंस देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या बना लिए, फेनॉल, और पारा पोजिशन पे नाइट्रो है NO2। फिर इधर दूसरे साइड में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग को रीजन लिखना है क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, OH, और यहां पे हम लोग CH3 देंगे। तो हम लोग रीजन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हो गया हमारा नाइट्रो और ये हो गया हमारा मिथाइल। फिर इससे हम लोग एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे, H+ निकालते हैं, कहां से, ये ऑक्सीजन में फेनॉल से, और यहीं से हम लोग चेक कर लेंगे H+ निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर हम लोग का बनेगा ऐसे ही हम लोग को बनाना है। तो जो स्ट्रक्चर हम लोग का बनेगा O, और उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहां NO2, फिर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम फेनॉल लिखेंगे O, और O पे नेगेटिव चार्ज, और यहां हम लोग देंगे CH3। तो ये हम लोग अब यहां पे रीजन इसका लिखेंगे दोनों का, आखिर रीजन क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे यहां पे, कि ये NO2 माइनस आई इफेक्ट है या प्लस आई इफेक्ट है, और ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों रीजन हम लोग लिखेंगे, पहला रीजन लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2। यहां पे NO2 क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव है और निगेटिव खींच रहा है ये, तो यहां कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम हो जाएगा दूसरा रीजन क्या लिखेंगे, लेस निगेटिव चार्ज, और लेस निगेटिव चार्ज हो जाएगा तो मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, चूंकि दोनों इनवर्सली होता है, और मोर स्टेबल तो मोर एसिडिक। बस ये रीजन जरूर लिखे, बस इसी तरह लिखे, आपको दो नंबर आसानी से मिल जाएगा। प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 मिथाइल ग्रुप, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज बढ़ेगा, ये माइनस दे रहा है और यहां पे माइनस है तो बढ़ेगा ना, तो मोर निगेटिव चार्ज यहां पे, चाहे तो आप निगेटिव पूरा लिख सकते हैं, निगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लेस एसिडिक। तो
तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे, पी नाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन पी मिथाइल फेनॉल। तो इसको हम लोग यहां ऐसे आंसर लिखेंगे और ये दो नंबर हम लोग को आसानी से यहां पे मिल जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो उसमें दिया गया था उसको भी देखते हैं, जो दो नंबर उसमें आपके क्वेश्चन बैंक में अलग अलग हो सकता है नंबरिंग, लेकिन यही सब क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार, तो ये हम लोग कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व, आसानी से क्वेश्चन लिख ले जाएंगे। कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहां पे C6H6 और इसका रिएक्शन कराया गया था यहां पे देखे Cl2 Fe Cl3 और हीट दिया गया था, और यहां पे बनता था A, फिर जो बनेगा A इसका रिएक्शन कराया गया था CH3Cl से, CH3Cl और किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, और यहां पे बनेगा B। तो पूछा गया था A और B क्या होगा, बस ये रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। अब इस रिएक्शन को देखेंगे यहां आंसर, तो ये क्या है, बेंजीन है। C6 को आप ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये बेंजीन है, और इसका रिएक्शन किससे कराना है, Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, FeCl3 और हीट देंगे। तो क्या करेगा ये, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहां पे देखें ये क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन Cl, यहां पे Cl आएगा और HCl बाहर हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और ये हम लोग का क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बना ए, यानी हमारा ए की जगह पे ये फाइंड हो गया, ये ए था। फिर इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराएंगे, देखें यहां पे Cl प्लस किसकी, CH3Cl, किसकी उपस्थिति में, AlCl3, और ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल का एल्काइलेशन। ठीक इसी ईयर 2018 में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों पूछा गया, यही रिएक्शन पूछा गया। तो यहां बी जो है, बी की जगह क्या बन जाएगा, बी की जगह सीएल, और देखिए यहां पे एच है, एच और सीएल बाहर चला जाएगा, CH3 यहां पे ऐड हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 प्लस, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, तो ऑर्थो प्लस पारा दोनों लिखिएगा आप लोग, CH3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रिएक्शन आप लोग कर लिए, तो आंसर क्या लिखेंगे, ए की जगह आप लोग लिखेंगे कि ए की जगह मेरा आंसर आया है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन Cl। बी की जगह क्या आंसर आया है, तो बी की जगह आया है 2-क्लोरो टोलुइन, ये हमारा Cl आया और ये हमारा CH3 प्लस, ये दोनों लिखेंगे और दोनों में किसी एक को लिखना होगा तो पारा वाला को लिखेंगे, Cl और CH3, ये ऑर्थो है और ये पारा, तो ऐसे हम लोग आंसर इसका लिखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें, पहला और दूसरा क्वेश्चन देखें, आप लोग ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम देखते हैं फिर इसको हटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसको हटा देते हैं यार, या देख के लिख रहे हो तो रोक के लिख ले, हम अब तीसरा इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं, हटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन ये है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो दोनों का एल्काइलेशन और एसाइलेशन, यानी एल्काइलेशन तो हम लोग यही देख लिए, एसाइलेशन देखना है। क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा, राइट द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, एसाई
लेसन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन लिखने के लिए पहले हम लोग एल्काइलेशन और थोड़ा एसाइलेशन भी लिखेंगे, तब हम लोग को ज्यादा अच्छा से नंबर मिलेगा। आंसर आंसर लिखें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एल्काइलेशन एल्काइलेशन। अब यहां नंबरिंग नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है नंबरिंग देने का, क्योंकि नंबरिंग तो दिया नहीं है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और इसके प्रेजेंस में जो रहेगा, तो हम लोग यहां पे अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये एल्काइलेशन का, ये हमारा कोई भी कंपाउंड हो गया, माने कोई भी कंपाउंड CH3 ही कंपाउंड हो गया, तो ये टोलुइन हो गया, क्या हो गया। अब इसका रिएक्शन हम लोग एल्काइल ग्रुप इससे जोड़ते हैं CH3Cl, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हम इसका क्या करेंगे, इससे जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। तो ये Cl यहां पे जुटेगा, सॉरी ये Cl और यहां पर जो H है उसके साथ निकल जाएगा, और ये क्या CH3 यहां जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पे एक कंपाउंड जुटेगा, और पारा पे यहां CH3 पहले से है, यहां CH3 ऐड हो गया, प्लस ऑर्थो एंड पारा दोनों को करना है हमको CH3 और ये CH3। अगर आपके मन में यहां CH3 नहीं ClOH कुछ भी लिखना है, जैसे OH लिखना है तो यहां पे आप OH लिख सकते हैं, फेनॉल हो जाएगा तब ये, फिर यहां पे आप OH लिखना पड़ेगा आपको, फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा OH। अगर यहां पे Cl लिखते हैं तो ये Cl लिखना पड़ेगा, फिर यहां Cl लिखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है ये, और ये ऑर्थो पोजिशन और ये पारा। फिर हम लोग हेडिंग देंगे क्या, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या ZnCl2 कुछ भी हो सकता है यहां पे, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट है ये। तो यहां पे हम लोग क्या देखें, अगर यहां पे हम लोग फेनॉल लिखे हैं तो यहां पे भी हम लोग फेनॉल ही लिखेंगे OH, यहां पे फेनॉल तो यहां पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, फेनॉल ही लिखेंगे। एसिटाइल ग्रुप यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, यहां Cl यहां Cl, ये भी AlCl3 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, AlCl3। अब आप देखें कि Cl और यहां पे तो H है ना, यहां पे H है, बेंजीन के सभी जगह हाइड्रोजन है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पारा पे जुटेगा, तो Cl और H, HCl बाहर और ये वाला पॉइंट कहां, ये वाला यहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे आएगा हम लोग के पास, देखें ऐसा आएगा, ये हम लोग का हो गया फेनॉल और यहां पे C डबल बॉन्ड O ये वाला, फिर इससे लगा कौन है CH3 प्लस, ये ऑर्थो पोजीशन पे है प्लस पारा पोजीशन पे भी चाहिए तो पारा पोजीशन पे भी लिखेंगे हम लोग OH C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये ऑर्थो और पारा पोजीशन। तो हम लोग क्या देखें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो बोर्ड में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, पहले एल्काइलेशन का डिफिनेशन, फिर रिएक्शन, फिर एसाइलेशन का डिफिनेशन और रिएक्शन। कभी कभी ये
पूछ देगा फ्रीडल क्राफ्ट केवल एल्काइलेशन, तो यहीं तक लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, एल्काइलेशन तो एल्काइलेशन, एसाइलेशन तो एसाइलेशन। नेक्स्ट इसी ईयर 18 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, फोर्थ नंबर, ऑर्गेनिक का फोर्थ नंबर, एच आई इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड देन एच एफ एक्सप्लेन। अब इसको एक्सप्लेन करना है, एच आई मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एच एफ, तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, क्या आंसर में लिखेंगे, आंसर देखिए इधर हम लोगों को क्या लिखना है, आंसर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है तो इसको ज्यादा देखिएगा आप लोग अच्छा से, एच आई फिर हम लोग यहां पे एच एफ, जो भी रीजन बेस्ड होगा उसको ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच प्लस निकाले तो आई पे क्या हो जाएगा, आई पे आ जाएगा माइनस, फिर इससे हम लोग निकाले एच प्लस तो एफ पे क्या आ जाएगा, एफ पे आ जाएगा माइनस, और यहां से एच प्लस निकल गया। तो आप देखिए ये आई पे माइनस एफ पे माइनस, दोनों का रीजन लिखना है, आई ज्यादा बड़ा होता है एफ छोटा होता है ग्रुप में, तो निगेटिव चार्ज ऑन लार्ज साइज एटम पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आया तो मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रुप होता है उसमें हम लोग साइज चेक करते हैं, मोर स्टेबल, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, मोर एसिडिक। तो जैसे ही मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा, फिर यहां पे निगेटिव चार्ज है, आप लोग पूरा लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज ऑन स्मॉल साइज एटम, छोटा पे चार्ज है निगेटिव लेकिन छोटा पे है तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल फिर लेस एसिडिक। तो एच आई इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एच एफ, क्यों, क्योंकि आई के पास क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन आई यानी लार्जर साइज एटम देन एफ, हेंस मोर आई एच आई इज, हेंस एच आई इज मोर एसिडिक देन एच एफ, क्योंकि ये लार्जर साइज, और ये रीजन बेस्ड एक एक करके लिखेंगे ऐसे नीचे तो ज्यादा अच्छा है, लैंग्वेज के अच्छा लैंग्वेज लिखेंगे उससे कोई फायदा नहीं है, ऐसे लिखेंगे तो दिखेगा और नंबर भी मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और था, डिस्क्राइब द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का नाइट्रेशन को डिस्क्राइब करना था, बताना था, तो कैसे हम लोग इसका करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो एक लाइन का था, यानी इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब क्या करेंगे, बता देंगे आंसर। ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे लोग के पास क्या है, बेंजीन रिंग है एच, यानी ये हम लोग यहां पे लिखेंगे बेंजीन। तो नाइट्रेशन जब भी करते हैं तो कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड भी रहना चाहिए तो नाइट्रेशन होगा। तो कॉन्क HNO3 किसकी उपस्थिति में, कॉन्क H2SO4। तो जब इसका नाइट्रेशन करते हैं तो NO2+ आता है, क्या आता है, NO2+। तो बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग का यहाँ पे जरूरी नहीं है लिखना, यहां हम लोग नाइट्रेशन कर रहे हैं तो बस नाइट्रेशन से ही मतलब रखेंगे,
NO2, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो क्या हम लोग का बना? नाइट्रोबेंजीन। और ये कौन रिएक्शन है? ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज, लिख देंगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके आसानी से, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम लोग का इस 2018 ईयर का ये शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन था, 5-5 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन में और करके दो दिया गया था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखे। अब इसको हम हटा देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन अब देखा जाए। ये शॉर्ट क्वेश्चन था दो दो नंबर का, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। हटाते हैं इसको, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी देखेंगे। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या था? पहला था डिफरेंस, यानी हम लोग एक नंबर क्वेश्चन देते हैं, इसका 1, 2, 3, 4, 5 करके दिया था। तो राइट द टेस्ट क्वेश्चन था, राइट द टेस्ट by which following are distinguished किसका किसका था? तो पहला था हम लोग का, देखें इधर, पहला था हम लोग का इथानॉल एंड एसिटाल्डिहाइड। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पांच क्वेश्चन था, पांचों का आंसर लिखते हैं हम लोग। तो पहला का आंसर लिखेंगे हम लोग इथानॉल एसिटाल्डिहाइड का, क्या लिखेंगे आंसर देखें यहां पे। तो एसिटाल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड का है, ये रिएक्शन देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये नहीं देता है, तो इसका लिख देंगे एसिटाल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन भाषा में या कॉमन नेम में, टॉलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये डायरेक्ट लैंग्वेज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो टॉलेंस रिएजेंट क्या करेगा, देखें यहां पे रिएक्शन में हम लोग कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है, किससे रिएक्शन कर रहा है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का होल टू और इस पे प्लस, ये हो गया हम लोग का अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और इससे क्या करेगा, रिएक्ट करके ये बनाएगा एसिड, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड
OH प्लस 2Ag, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर। ये लिखिएगा, ये लिखना पड़ेगा सिल्वर मिरर, और इधर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये एसिटाल्डिहाइड। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, लेकिन ये टेस्ट नहीं देता है। तो आसानी से इसके नीचे ठीक इसी तरह, बट इथानॉल, इथानॉल एल्कोहल है यह, डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। यानी इसके साथ तो ये रिएक्शन देता है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है। तो आपका पहला हो गया। दूसरा क्या था उसको भी देखा जाए, दूसरा जो डिफरेंस देना था हम लोग को, तो पहला था इथानॉल एसिटाल्डिहाइड, दूसरा था फेनॉल कार्बोजेलिक एसिड, फेनॉल एंड कार्बोजेलिक एसिड। तो ये सारे कार्बोजेलिक एसिड का बात कर रहा था। कार्बोजेलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है और इफर्वेसेंस ऑफ H2 रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा देखेंगे, कार्बोजेलिक एसिड CO2, कार्बोजेलिक एसिड, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर कार्बोजेलिक एसिड एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, नीचे लिख दे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टू गिव इफर्वेसेंस ऑफ H2CO3 या H2, रिएक्शन करके देखते हैं कि CO2 है या H2। तो रिएक्शन देखें, यहां पर CH3 यानी R, कार्बोजिलिक एसिड है तो R, और यहां पे OH प्लस NaHCO3। तो अब बस देख ले इधर H2CO3 और ये CO2 हो जाएगा, इफर्वेसेंस ऑफ CO2। तो ये इसका टेस्ट हो गया कार्बोजिलिक एसिड का। कैसे, तो H यहां से निकलेगा और Na यहां पे आ जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा क्या, R C डबल बॉन्ड O O Na, O पे माइनस और Na पे प्लस, प्लस H2CO3 प्लस H2CO3, और इसी H2CO3 को हीट देके तोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस CO2, इसी का यही गैस रिलीज होगा। तो ये तो रिएक्शन देगा, कार्बोजिलिक एसिड क्या देगा, ये देगा, लेकिन बट यहां पे लिखेंगे हम लोग बट फेनॉल डज नॉट गिव, डज नॉट गिव इफर्वेसेंस ऑफ, इफर्वेसेंस ऑफ CO2 विथ, किसके साथ, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफर्वेसेंस ऑफ CO2 नहीं देगा कौन, तो फेनॉल, जबकि कार्बोजिलिक एसिड देगा। तीसरा हम लोग का जो था
उसको भी हम लोग यहां देखते हैं। तीसरा डिफरेंस था हम लोग को, ये पांच नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां तक 5 दिया है हम लोग को। तो पहला इथेनॉल एसिटैल्डिहाइड का कर लिए, फिर दूसरा फेनॉल कार्बोजिलिक एसिड का। अब आप लोग के साथ 2024 में ये भी पूछ सकता है कोई, इसमें का एक उठा लेगा, 2019 का कोई एक क्वेश्चन उठा लेगा, इसे भी करके दे सकता है। तो ये 3 में दिया है हम लोग को डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड तो क्या देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, यही वाला सेम उतार देंगे। यानी क्या आंसर लिखेंगे, एल्डिहाइड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। विथ सिल्वर नाइट्रेट यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। तो देख देते हैं, रिएक्शन लिख देते हैं। एल्डिहाइड है तो R C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड किसके साथ, Ag प्लस NH 3 2 क्या दे देगा, सिल्वर मिरर R C डबल बॉन्ड O OH यानी एसिड कार्बोजिलिक एसिड प्लस 2 Ag सिल्वर मिरर। कौन सा टेस्ट दे देगा, सिल्वर मिरर। और कीटोन ये रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि उसके पास यहां पे क्या रहता है, R रहता है। तो यहां पे लिखेंगे बट कीटोन डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट विथ सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये लैंग्वेज लिखना होगा, ये नहीं कि यहां पे लिख दिए और नीचे लिखेंगे ही नहीं। अब तो समझ गया जो ये कॉपी चेक करने वाला समझ गया, लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा किसके साथ नहीं देता है, टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है और ये करता है। फिर इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बाद फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक के साथ भी यही है, क्योंकि फॉर्मिक बाई फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बोजिलिक एसिड भी है और यानी फॉर्मिक एसिड भी है और एक साइड से जब आएंगे दूसरे साइड से तो फॉर्मल्डिहाइड भी रखे है, वो एल्डिहाइड ग्रुप भी रखे है, जिसके कारण वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और उसके बाद एसिटिक एसिड नहीं करेगा। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी उसको भी देखेंगे। हम लोग देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या मेरे साथ लिख रहे हो तो इसको लिखें, हम इसको हटा देते हैं। अब हम लोग उसको भी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था 4 नंबर। ये लॉन्ग क्वेश्चन का ही है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड यानी ये दोनों का। तो फॉर्मिक एसिड का आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, वो क्लियर है,
फॉर्मिक एसिड के पास, आप लोग देखें इधर आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड के पास, फॉर्मिक एसिड गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, तो या टॉलेंस रिएजेंट, ये तो लिखना ही पड़ेगा, टॉलेंस रिएजेंट, ये एस है, टॉलेंस रिएजेंट यानी क्यों देता है, क्योंकि आप देखें यहां पे एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इधर ना ये कार्बोजेलिक एसिड है और इसको अगर ऐसे कर दिए तो इधर क्या है, एल्डिहाइड है ना, इधर तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, इधर अगर बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा, इधर ना एसिड है, इधर से तो है, इसी कारण ये इधर देता है, ये क्या हो गया फॉर्मिक एसिड, किससे रिएक्शन किया, एजी एनएच थ्री होल टू और ये प्लस, इससे रिएक्शन किया तो क्या हो जाएगा OH, OH प्लस 2Ag, फिर सिल्वर मिरर, इधर तो था ही, इधर O आया, ऑक्सीजन किधर आया, इधर आया, देखें यहां पर इसको H2CO3 कहते हैं, H2CO3, तो आप यहां देखें ये कर दिया, बट ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, बट एसिटिक एसिड डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, विथ सिल्वर मिरर टेस्ट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये हम लोग का हो गया चौथा, यानी फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में एक था उसको भी देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर में था ये, एक एक नंबर का ये है, सोचे फिफ्थ नंबर में था प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल, तो तीनों अल्कोहल को कौन डिफरेंस करेगा, बहुत सारे कलर टेस्ट में विक्टर मेयर आता है, ल्यूकास आएगा तो ल्यूकास रिएजेंट करेगा, तो कैसे करेगा, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, इसका भी आंसर देखे लिखे, ऐसे लिखेंगे आंसर, तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को देखते हैं, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच अल्कोहल है, इसका रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराएंगे, कॉन्क एच सी एल, कॉन्क एच सी एल प्लस एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू, इसको कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, यहां पे लिख देंगे, और ये क्या करेगा, Cl इसके साथ आ जाता है और H2O बाहर, यानी CH3 CH2 Cl, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग रिएक्शन विद इन 30 मिनट या रिएक्शन विद इन, रिएक्शन की जगह टर्बिडिटी भी लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग दोनों लिख सकते हैं, टर्बिडिटी विद इन 30 मिनट, यही तो डिफरेंस करेगा, क्योंकि वे 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी को देखते हैं, यानी सी एच थ्री सी एच थ्री
और यहाँ पे OH सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या करेगा, ये जब रिएक्शन करेगा तो देखें इधर, ये फिर उसी तरह रिएक्शन करेगा किससे, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट। यही यहां पे भी लिख देना पड़ेगा ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। तो क्या हो जाएगा CH3 और यहां पे Cl, और ये कब होगा रिएक्शन, रिएक्शन विद इन 5 मिनट। यहां पे कितना था 30 मिनट, यहां पे कितना 5 मिनट, अब या टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। विद इन 5 मिनट 3 डिग्री अल्कोहल CH3 OH और CH3। कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 और ये हम लोग का कौन है टर्टियरी अल्कोहल। तो हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा CH3 इधर CH3 और इधर बन गया Cl। अब रिएक्शन कितना देर में हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन विद इन 1 मिनट या टर्बिडिटी विद इन 1 मिनट। एक एक मिनट में 3 डिग्री सेकेंडरी तो डिफरेंस हुआ ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। यानी यहां पे हम लोग लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल बाय ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट से हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिफरेंस कर दिया। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन और दिए था इस साल इस ईयर, तो वो क्वेश्चन था राइट द नेमिंग रिएक्शन, वो लॉन्ग क्वेश्चन था राइट द, वो क्वेश्चन था इसको 2 नंबर कर देते हैं लॉन्ग का 2 नंबर, राइट द नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। तो पहला क्या उसमें दिया था, एक में दिया था ए और बी करके, तो ए में दिया था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, ब्रोमामाइड रिडक्शन, और दूसरा था डी में किलिमेंसन रिडक्शन ऑफ किलिमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको भी हम लोग देख लिया जाए, तो ये क्वेश्चन था इसको हम लोग देख लिया जाए, इसको हटाते हैं। आप मेरे साथ लिख रहे हो तो रोक के लिखें या फिर
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और में करके दिया था, ये दो नहीं, इसके और में करके दिया था। हटाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया, सारे डिफरेंस हो गए। हम लोग एक ही करके सारे क्वेश्चन बैंक करेंगे। 2018 से 23 तक अब हम लोग पहला होपमैन, पहला हेडिंग देते हैं होपमैन, एम ए, इसके बारे में लिखेंगे। होप मैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, ब्रोमामाइड रिडक्शन, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। व्हेन, व्हेन When answer, when acetamide or alkanamide, alkanamide or acetamide react with bromine in presence of sodium or potassium hydroxide to give less carbon, one less carbon alkyl amine, yani alkyl amine क्या बनेगा, less carbon alkyl amine बनेगा। reaction कैसा होगा, reaction भी देख ले हम लोग, और ये लिखने के बाद रिएक्शन लिखना हम लोग को। R C डबल बॉन्ड O NH2 यानी एल्केनामाइड, किससे रिएक्शन करेगा, Br2 से 4KOH, ये देखें। फिर यहां क्या बनेगा, लेस कार्बन एसिड R NH2, एक कार्बन लेस हो गया ये, प्लस 2 केवीआर प्लस H2O प्लस K2CO3, ये हो गया हम लोग का 1 डिग्री। हम इसको इधर लिख देते हैं, इसको हटा के H2O प्लस K2CO3, तो ये हम लोग का हो गया एमीन, 1 डिग्री अमाइन। और इसी का एग्जाम्पल ये तो हो गया, ऊपर जो लिखे एग्जाम्पल करके एक हम लोग दे देंगे, एसिटामाइड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस Br2 4KOH, क्या बनेगा हम लोग का, CH3NH2 मिथाइल अमाइन प्लस 2KBr प्लस 2H2O प्लस K2CO3, तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन देखेंगे, ये रिएक्शन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो हम लोग बी में देख लेते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर लिखते हैं, आंसर तो ये जो है
कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन क्या है? तो व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद जिंक अमलगम, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव एल्केन, तो इसको थोड़ा हटाते हैं हम, चूंकि इधर लिखते हैं 2H2O है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, इधर लिखते हैं, ये लिख लिए होंगे, प्लस 2H2O प्लस K2CO3 प्लस 2H2O प्लस K2CO3। अब इसका हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। तो ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बोनिल रिडक्शन है, तो इधर हम लोग क्या देंगे? ZnHg और CONCHCl, तो क्या दे देगा? एल्केन दे देगा, CH2 एल्केन। तो अगर इसके जगह हम लोग यहां पे एग्जांपल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 और यहां पे दे दे हम लोग ZnHg CONCHCl, सेम दे दिए, तो इधर हम लोग का क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 यही बन जाएगा, ये हो गया प्रोपेन, और ये हो गया एसीटोन। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, जो 2018 में पूछे गए सारे ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हम लोग इसको कर लिए। अब हम लोग 2019 देखेंगे, फिर 20, 21, 22 और 23 तक हम लोग करेंगे, उससे पहले भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सब वीडियो आपको पहले मिल सके। जय हिंद।